बीते एक दिन पहले रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किए गए आजम खां को लेकर चर्चाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। जेल और एनकाउंटर की चर्चाओं के बीच अब शिफ्टिंग के बाद सीतापुर जेल में बीती उनकी पहली रात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि बीते रविवार को शिफ्ट किए गए सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खां की सीतापुर जेल में रविवार की रात अन्य कैदियों की तरह सामान्य रही। अन्य कैदियों की तरह उन्होंने खाना खाया, फिर बाद में पूरी रात अपनी बैरक में करवटें बदलते हुए नजर आए। मिली जानकारी के मुताबिक सीतापुर जेल में सामान्य लोगों की तरह आजम खां ने खाना खाया, जिसमें उन्हें देर रात दाल चावल रोटी और उसके अलावा बैगन आलू की सब्जी दी गई। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि रात में वो अपनी बैरक में करवटें बदलते दिखाई दिए, जिसके बाद सोमवार सुबह होते ही नाश्ते के बाद उन्हें चिकित्सक को भी दिखाया गया। इस दौरान सीतापुर जेल के डिप्टी जेलर द्वारा आजम खां की बैरक की निगरानी भी की गई। आजम शुगर और बीपी के मरीज बताए जाते हैं, जिसके चलते वह सीतापुर जब जेल आ रहे थे तब उनके सामान के साथ साथ उनकी दवाइयां भी लाई गई थी। बताया जा रहा है कि आजम खां की बैरक में जाकर दो बार चिकित्सकों ने उनका चेकअप किया। रविवार को आजम खां को सीतापुर जेल में उनकी पुरानी बैरक में रखा गया, जहां उन्हें इससे पहले रखा गया था। बैरक में आने के बाद रविवार शाम को भी एक चिकित्सक ने उनके पास जाकर तकरीबन एक घंटे तक उनका चेकअप किया और उसके बाद से उनकी शुगर और बीपी से संबंधित दवाओं की जांच की। आजम खान को लेकर सीतापुर जेल के अधीक्षक एसके सिंह ने बताया कि आजम खान ने अपनी बैरक में एक इतिहास की किताब मांगी थी, जिसके बाद से उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।